नागपुरात स्फोटके बनवणाऱ्या कंपनीमध्ये स्फोट, 6 जणांचा मजुरांचा मृत्यू तर 4 जण जखमी. नागपूरपासून 40 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धामणा इथल्या चामुंडी या स्फोटके बनवणाऱ्या कंपनी दुपारी 1 सुमारास स्फोट झाला होता. यात 6 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला तर 4 मजूर गंभीर जखमी आहेत. जखमींवर हॉस्पिटलमध्ये ICU उपचार सुरू असून ते देखील 90% भाजले आहेत. या घटनास्थळाची माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पाहणी केली आहे. दुर्घटना झालेल्या कंपनीत कोणत्याच प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. तसेच एवढी मोठी दुर्घटना घडल्यावर कंपनीचे मालक आणि अधिकारी कोणीही आले नाहीत अशी प्रतिक्रिया यावेळी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. पुढील कारवाई सुरू असल्याची प्रतिक्रिया पोलीस कमिशनर रवींद्र सिंगल यांनी दिली आहे. ऐसा है कि नागपुर शहर के बाजू में एक धामना करके गांव है, उसके बगल में चामुंडा एक्सक्लूसिव एक यूनिट यहां पे है जो एक्सक्लूसिव का हैंडल करती है. यहां पे आज दोपहर को दुर्घटना हुई, ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट होने के बाद में एक अंदाज है कि 5 यहां के जो काम करने वाले थे वहां पे उनकी मौत हुई है और 4-5 लोग जख्मी है, उनको बाहर अस्पताल में ले जाने का काम यहाँ पर चालू है. ताज्जुब की बात है कि यहाँ एक्सप्लोजिव होने के बाद में, एक्सप्लोजन होने के बाद में यहाँ का जो मालिक है वो भी गायब है, मैनेजर है वो भी गायब है. एम्बुलेंस बुलाने के लिए कोई नहीं था. ऐसी हालत में हम सब लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, आजू बाजू के PSC की एम्बुलेंस बुलाई, मेडिकल कॉलेज की एम्बुलेंस बुलाई. उसके वजह से सब जो यहाँ पे जख्मी थे उनको अस्पताल में पहुँचाने का काम यहाँ पे हुआ है. लेकिन इतना बड़ा एक्सप्लोजिव यूनिट होने के बावजूद यहाँ पे चामुंडी एक्सक्लूसिव की एक भी एम्बुलेंस यहाँ पे उनकी खुद की नहीं है. करके ये बात हम शासन के ख्याल में ला के देंगे कि इस प्रकार से जो जहाँ पे एक्सक्लूसिव का हैंडल होता है वहाँ पे सब सुविधा वहाँ पे होना चाहिए और जो ऐसी सुविधा रखता नहीं उसके ऊपर भी राज्य शासन ने कड़क कार्रवाई करना चाहिए. इसके लिए हम आवाज उठाएंगे. ब्यूरो रिपोर्ट SBN मराठी नागपुर.